पिछले हफ्ते शहर की चार एडवाइजरी कंपनियों पर तेलंगाना पुलिस द्वारा की गई छापेमारी की कार्रवाई के बाद राजस्थान की एक टीम ने दो एडवाइजर फर्मों पर भी छापा मारा, जिसमें पलासिया के शेखर सेंट्रल में अपने कार्यालय से कई निवेशकों को ठगा था। मिली जानकारी के अनुसार तेलंगाना क्राइम पुलिस की एक टीम कल इंदौर के लिए रवाना हुई थी। उनकी जाँच में सेबी से रजिस्टर्ड 154 एडवाइजरी कंपनियाँ शामिल हैं। पिछले हफ्ते साइबराबाद क्राइम पुलिस ने शहर के संचालित हाइब्रो मार्केट रिसर्च इन्वेस्टमेंट्स एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वप्निल प्रजापति को ट्रेड ब्रिज रिसर्च के संतोष परिहार, सफाई रिसर्च के सागर साहू और द एक्विकॉम फाइनेंशियल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के अखिलेश रघुवंशी को इंदौर पुलिस और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की मदद से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इनके पास से 3,63,00,000 रुपये जब्त किए। इनका 10 दिन का रिमांड भी पुलिस को मिला है। साइबराबाद के पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनर का कहना है कि घोटाला बहुत बड़ा हो सकता है, इसमें शामिल राशि 1,000 करोड़ रुपए को पार कर सकती है। इंदौर में लगभग 1,000 एडवाइजरी कंपनियां हैं जो लगभग 1,00,000 लोगों को रोजगार देती है। हालांकि 100 कंपनियों में से सेबी में केवल 154 पंजीकृत है। ऑनलाइन उपभोक्ता फोरम के प्रश्न पर सेबी से रजिस्टर्ड एडवाइजरी कंपनी और फर्जी शिकायतों के निवेशकों को दुख देने वाली शिकायतों से भरे हुए हैं। हालांकि इन कंपनियों के मालिक और निर्देशक स्थानीय पुलिस की कथित मिलीभगत से बिना किसी डर के कारोबार चला रहे हैं। तेलंगाना पुलिस द्वारा एडवाइजरी फर्मों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की खबर के बाद से इंदौर की एडवाइजरी फर्मों में हड़कंप मचा हुआ है। इनके संचालक इतने घबराए हुए हैं कि एडवाइजरी कंपनियों के कई मालिकों ने और निवेशकों ने अपने बनाए व्हाट्सएप ग्रुप को डिलीट कर दिया है। ग्रुप के एडमिन सुमित मुंगिया CA हैं, जो हाल ही में DIG एच मिश्रा से एडवाइजरी फर्मों के निवेशकों के साथ मिलने गए थे, लेकिन DIG ने बिना मिले ही सबको वापस लौटा दिया था। मोंगिया और सुनील राठौर के बारे में कहा जाता है कि ये निवेश सलाहकारों के समूह का नेतृत्व करते हैं। राहुल और इमरान खान को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। विजयनगर इलाके में शगुन टावर में संचालित कैपिटल काऊ और मोरल फाइनेंस के कथित निवेशकों राहुल यादव और इमरान खान के खिलाफ मोरल फाइनेंस कंपनी के वास्तविक निदेशक गौरव भाले द्वारा भौरकुआ पुलिस में शिकायत कराई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों पहले उनकी कंपनी में काम करते थे और उनकी कंपनी के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।